इंदौर क्राइम ब्रांच ने हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन आरोपियों से बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए और हर प्रकार के कारतूस ये सप्लाई करते थे। दरअसल इंदौर शहर में लगातार हथियार खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बड़ी मात्रा में हथियार भी पुलिस को बरामद हो रहे हैं, लेकिन आरोपियों के पास कारतूस कहां से सप्लाई हो रहे हैं इसकी जानकारी पुलिस को नहीं लग रही थी। इसी दिशा की ओर पुलिस लगातार काम कर रही थी। पुलिस का मकसद उन तस्करों तक पहुंचना था जो कारतूस सप्लाई करते हैं। इस जांच में पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इंदौर में कुछ हथियार तस्कर एकत्रित हुए हैं। सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी तलाशी में दो पिस्टल व 80 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में मृत्युंजय उर्फ भोला भूपेंद्र पिता रविंद्र सिंह परमार निवासी दतिया होना पाया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। इन आरोपियों से और भी खुलासे होने की संभावना है। दो लड़कों को पकड़ा है जो बैतूल और हरदा से हैं, और इसमें खास बात यह है कि अभी तक पुलिस की जितने गिरोह पकड़े गए थे उसमें पिस्टल्स की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन पुलिस कारतूस तक पहुंचने में जरूर कठिनाई का सामना कर रही थी, क्योंकि कारतूस का पता नहीं चल पाता है या गिरोह कहां से आते हैं। पुलिस ने हालांकि इस पर काम शुरू किया, पिछले दिनों पकड़ा है, लेकिन इसमें खास बात यह रही कि लगभग 80 के आसपास कारतूस भी मिले हैं और लगभग 2 पिस्टल्स मिले हैं। साथ ही साथ इनके एक गैंग पीछे की पता चली है जो अलग अलग जिलों से जुड़ी है, जिसमें बैतूल हरदा जैसे जिले हैं वहाँ से इनका लाना बताया जा रहा है। फिर इन्होंने कुछ नाम भी बताया जहाँ से कारतूस बड़ी संख्या में ला रहे हैं। कारतूस को देखते हुए पुलिस ने इसमें बड़ी टीम लगाई है, जो कि बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल कारतूस जैसे अगर इस तरह से अपराधी गिरोह तक पहुँचना पुलिस के लिए चुनौती है, और पुलिस ने उस पूरे प्रारंभिक तौर पर जो मिला है, जो जानकारी मिली उसमें पूरे गैंग को पकड़ लिया है। इसके आधार पे पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी गिरफ्तारी। कितने लोग हैं सर इसमें? 2 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक बैतूल और एक हरदा के, दोनों का अपराधी की ऑनलाइन किस तरह करते थे? ऑनलाइन भी बेचते थे? ऑनलाइन ही बेचते थे। इनके कुछ लोगों से नाम सामने आया है जो कुछ उन जिलों के कुछ लोग हैं जिनसे संपर्क में थे, और उनके माध्यम से कारतूस लाकर करते थे। इस पूरी चेन को फिर ओरिजिनेशन जहाँ से हो रहा है वहाँ पर कैसे लाते हैं, क्योंकि जो कारतूस बनाए जाते हैं सिकली घरों में वो उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती, इसलिए पुलिस इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर पिक्सल प्यारा कारतूस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। खरीदी का सर इंदौर से संबंध नहीं है, लेकिन अगर आरोपी पकड़ा जाता है चेकिंग में, पुलिस की चेकिंग में तो पुलिस के निश्चित तौर पे वो एक जिज्ञासा का कारण रहता है, इन्वेस्टिगेशन का कारण रहता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इस तरह के 5 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उसमें अगर किसी के पास हथियार हैं चीज़ें हैं तो एक सुरक्षा के लिए खतरा रहता है, किसी आपराधिक गतिविधि में उसका प्रयोग हो सकता है। इसलिए लगातार अगर कार्रवाइयों के कारण देखेंगे कि लगातार जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें एक बार कुछ माह पूर्व 70 तक पिस्टल पकड़ी गई थी, और बाकी भी 400 के आसपास आग्नेयास्त्र पिछले अगर कुछ महीनों में देखेंगे तो पकड़े गए हैं, तो उन लगातार कार्रवाइयों के कारण इस तरह की आपराधिक गिरोहों पर अंकुश रहता है, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम रहती है। कौन सी पिस्टल के या गन के असर हैं? ये 0.315 सब एक ही 32 का है, 0.32 का है, 0.32 बोल के ये पिस्टल के लिए बोल गया है।